करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रम झाझर में। हमारा पता है सुरखी घाट बाईपास रोड पड़ाव चौक मुंगेली। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश में भूपेश सरकार को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि हाई कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दिया है। राज्य में बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ चार लोगों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जबकि समर्थन में एक याचिका लगी थी। आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने आदेश करते हुए फैसला दिया है। आपको बता दें कि आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले पर वकील अनीश तिवारी का कहना है कि सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत 82% हो गया था और इसके विरोध में याचिका लगाई गई थी। संविधान के मुताबिक माइनॉरिटी ऑफ सीट पर ही आरक्षण की पॉलिसी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता। वहीं इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रदेश में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को बड़ा तोहफा दिया था। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पहले 14% आरक्षण मिलता था, जिसे 13% और बढ़ा दिया गया, जिससे अब छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले भी अनुसूचित जाति एससी वर्ग का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 13% कर दिया गया था। कुल मिलाकर अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। सीएम भूपेश बघेल के इस ऐलान के बाद देश में कुल 72% आरक्षण हो गया था। कि लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, क्योंकि जिस दिन वो आरक्षण लागू किए हमने कहा हम स्वागत करते हैं, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, और यदि देश में किसी को लाभ मिलता है तो हमारे लिए खुशी की बात है। हो सकता है कि उनके बीच के ही लोग स्टे लगाए हों कि एक तरफ हम दिखावा कर ले गांधी जी के नाम पर और दूसरे तरफ किस प्रकार के भाषा और बोली और आचरण का हम प्रदर्शन करते हैं, ये उसका उदाहरण ये भी है। रायपुर से मारुति नंदन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।